मैंने ईमानदारी से काम किया है, मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है, मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया, मैं कभी मेरे परिवार को टाइम नहीं दे पाया। साथियों, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गाँव में बैठ कर देख सकता है। राजस्थान में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में 41 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मिली, लेकिन टिकट कटने वालों के बगावती तेवर भी तल्ख हो गए हैं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ सीट से मैदान में उतारा गया है, जिसके बाद स्थानीय बीजेपी नेता विकास चौधरी ने इसका विरोध किया और समर्थकों के सामने 5 साल मेहनत करने की दुहाई देते देते फूट फूट कर रोने लगे। त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया, क्या आप बताओ ईमानदारी से। साथियों, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गाँव में बैठ के देख सकता है। आज उस नौजवान की इन्होंने हत्या की है जो नौजवान पढ़ लिख कर अपने गाँव गरीब और किसान की सेवा करना चाहता है। क्या राजनीति में आने का अधिकार किसी गाँव किसान के बेटे को नहीं है? क्या इन पैसे वालों को यह अधिकार दिया है क्या? वहीं भरतपुर जिले की नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जवाहर सिंह बेडम को टिकट दिया है। इसके विरोध में नैम सिंह फौजदार खुलकर मैदान में आ गए हैं। उनका आरोप है कि वो 25 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, हर दुख सुख में जनता के बीच रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट ना देकर उन्हें सड़क पर ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी में 5 वर्ष दिन रात खून पसीने से मेहनत की। भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जिसमें जाति ना धर्म किसी का कोई महत्व नहीं होता, वर्कर को महत्व दिया जाता है। लेकिन आज नगर विधानसभा क्षेत्र में जिस बंदे को टिकट दिया गया है, आज तक किसी मौत मरण में, किसी सुख दुख में कहीं किसी के काम तक नहीं आए, ऐसे व्यक्तित्व को टिकट देना, इससे ये जाहिर होता है कि हमारी सेवा और हमारा संघर्ष शायद चमचागिरी के नीचे दब गया। आज जब लिस्ट देखी तो ये लगा कि सेवा और संघर्ष का समय अब नहीं है। ये लगता है आने वाले समय में कोई व्यक्ति सेवा और संघर्ष की हिम्मत नहीं करेगा। इन नेताओं के अलावा बांसूर से पूर्व मंत्री रोहितास शर्मा, जयपुर की झोटवाड़ा से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, जयपुर के विद्यानगर से पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद वर्तमान विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया है, जिसके बाद इन्होंने भी पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इनमें से कुछ नेताओं ने तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का ऐलान तक कर दिया है। बहरहाल ऐसे में अब देखना यह है कि पार्टी में फैले इस असंतोष को बीजेपी कैसे काबू में कर पाती है। लेकिन इतना जरूर है, ये विरोध यूं ही जारी रहा तो चुनाव में बीजेपी को इसका भयंकर नुकसान पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद लाइफ।